रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के टॉप रिटायर्ड कमांडर कर्नल डगलस मैकग्रेनर ने दावा किया है कि अमेरिका यूक्रेन को तबाह कर रहा है। कर्नल डगलस का साफ कहना है कि पिछले 180 दिन में रूस ने यूक्रेन को बुरी तरह से हराया है, लेकिन पश्चिमी मीडिया यूक्रेन की जीत का झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। दावा तो यहाँ तक किया गया है कि अमेरिका रूस से जंग करने लायक ही नहीं बचा है और ना ही आगे कर पाएगा। अमेरिका के पूर्व कमांडर का साफ तौर पर कहना है कि अमेरिका जबरदस्ती यूक्रेन को जंग में झोंक रहा है। अमेरिका में अमेरिका की पोल खोलने वाले कर्नल डगलस ने साबित कर दिया है कि यूक्रेन जंग में सिर्फ अमेरिका और नेटो की कठपुतली बनकर रह गया है। दावा ये किया जा रहा है कि जेलेंस्की के पास सिर्फ 30 दिन का वक्त है। अगर जंग नहीं रुकती है तो फिर रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर सकता है। चालीस हजार मार दिए, 4 लाख मार देंगे। लगभग 90 दिनों से यूक्रेन रूस के खिलाफ भीषण हमले कर रहा है। रूस की राजधानी मॉस्को से लेकर क्राइमिया तक यूक्रेन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। नाटो देशों से मिले ड्रोन, रॉकेट, मिसाइल, टैंक और बख्तरबंद वाहनों के दम पर यूक्रेन ने जितने भी हमले रूसी सेना के खिलाफ किए हैं उनमें 95% हमले बुरी तरह से फेल हुए हैं, जबकि 5% यूक्रेन के हमले रूसी सेना की पहली रक्षा पंक्ति को मामूली नुकसान पहुंचा पाए हैं। तमाम जीत के वादों के बावजूद यूक्रेन के जंगी हालातों का सच अब खुद अमेरिका से सामने आने लगा है। अब तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में चोटी के सलाहकार रहे कर्नल डगलस मैकग्रेगर ने ऐसे ऐसे दावे किए हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हम आपको आगे यूक्रेन की हार और रूस की जीत का वो सच दिखाने जा रहे हैं जो अमेरिका और नाटो की पोल खोल रहा है। कर्नल डगलस की चेतावनी, यूक्रेन की हार मत छिपाओ। यूक्रेन भले ही दावा करे कि उसने 18 महीने की जंग में रूस के 2,60,000 से ज्यादा सैनिक मार दिए हैं, लेकिन हकीकत यही है कि रूस यूक्रेन पर हर मोर्चे पर भारी पड़ता जा रहा है। इस वक्त यूक्रेन 5 मोर्चों पर घिरा हुआ है। ये वही मोर्चे हैं जहां पर यूक्रेन सबसे ज्यादा नाटो से मिले हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। ये वही मोर्चे हैं जहां यूक्रेनी सेना रूसी सेना के खिलाफ 160 तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। पश्चिमी मीडिया भी डंके की चोट पर दावा कर रही है कि रूस अब जंग में यूक्रेन से हारने लगा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यूक्रेन और नाटो के 31 देशों की पोल खुद अमेरिका के टॉप पूर्व सैन्य अधिकारी ने खोल दी है। इस अमेरिकी अधिकारी ने यहां तक दावा किया है कि यूक्रेन छोड़िए, अमेरिका और नाटो मिलकर भी रूस को जंग नहीं हरा पाएंगे। जरा देखिए क्या कह रहे हैं अमेरिका के पूर्व बख्तरबंद कोर के अधिकारी कर्नल डगलस मैकग्रेगर। नहीं जीत पाएगा अमेरिका, 180 दिन बाद खुफिया रिपोर्ट। अमेरिका के कर्नल डगलस मैकग्रेगर का साफ कहना है कि अमेरिका हथियार देकर जानबूझकर यूक्रेन को युद्ध में घसीटता जा रहा है। कर्नल डगलस का साफ कहना है कि अमेरिका रूस से भयंकर युद्ध के लिए अभी सैन्य और मानसिक तौर पर तैयार नहीं है। कर्नल डगलस मैकग्रेगर यहां तक दावा कर रहे हैं कि पश्चिमी देशों की मीडिया यूक्रेन की हार की खबर नहीं दिखा रही है बल्कि यूक्रेन की जीत के दावे कर रही है। कर्नल डगलस का यहां तक कहना है कि मुख्य धारा की पश्चिमी मीडिया यूक्रेन को हुए जबरदस्त नुकसान को भी नहीं दिखा रही है। यहां तक कि रूस की बेहिसाब जीत, जबरदस्त सैन्य ताकत को भी पश्चिमी मीडिया पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है। запорожском направлении после провала наступления вооружённые силы Украины севернее населённого пункта Работино Запорожской области, в котором было задействовано до 3 батальонных тактических групп из состава бригад стратегического резерва. Противник, понеся большие потери,
в течение ночи восстанавливал боеспособность и активных действий не предпринимал. अट्ठारह महीने से ज्यादा की जंग के बाद यूक्रेन के साथ साथ नेटो और पश्चिमी देशों को भी एहसास हो चुका है कि रूस को एक साल के युद्ध के बाद जितना कमजोर समझा जा रहा था वैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि रूस ने पिछले 11 दिनों से यूक्रेन की राजधानी कीव पर घातक मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट से हमले बेहद तेज कर दिए हैं। यहां तक कि अपनी किंजल मिसाइलों के तूफानी हमलों से कीव में मौजूद अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को भी तबाह कर डाला है। पिछले दो हफ्तों से रूस के खिलाफ यूक्रेन ने काउंटर अटैक को बहुत तेज कर दिया है, लेकिन जिस तरह से यूक्रेन को मिले सबसे एडवांस हथियार युद्ध में तबाह हुए हैं, उसने अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, फिनलैंड जैसे देशों के हौसले पस्त कर दिए हैं। अमेरिका के पूर्व बख्तरबंद कोर के अधिकारी कर्नल डगलस मैकग्रेगर इस सच्चाई पर मोहर लगा रहे हैं कि 20 लाख करोड़ के हथियार भी यूक्रेन को जंग में जीत नहीं दिला पाए हैं, बल्कि यूक्रेन 18 महीने की जंग में पूरी तरह से तबाह हो चुका है। भले ही ज़ेलेंस्की नाटो और अमेरिका के इशारे पर बड़े दावे करें, लेकिन हकीकत में यूक्रेन बुरी तरह से रौंदा जा रहा है। पिछले 180 दिन में युद्ध पर आई रिपोर्ट के आधार पर अमेरिका के कर्नल डगलस ने क्या दावे किए हैं, जरा ये भी जान लीजिए। 40,000 मार दिए, 4,00,000 मार दिए। अमेरिका के कर्नल डगलस का यहां तक दावा है कि सिर्फ 180 दिन में यूक्रेन के 40,000 सैनिकों को रूसी सेना ने मार डाला है, जबकि 40,000 के करीब ही यूक्रेन के सैनिक 180 दिन में बुरी तरह से घायल हुए हैं। अगर 18 महीने से चल रहे युद्ध में पिछले 6 महीने से यूक्रेन हार रहा है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूक्रेन की सैन्य ताकत का कितना बुरा हाल रूस ने कर डाला है। कुछ रिपोर्ट्स में यहां तक दावा किया गया है कि 6 महीने में यूक्रेन के 50,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं और रूस आने वाले दिनों में यूक्रेन, पोलैंड और लिथुआनिया के साथ तीन तरह के युद्ध में 4,00,000 सैनिकों को मार सकता है। कर्नल डगलस की चेतावनी, यूक्रेन की हार मत छिपाओ। Після російських ракетних ударів, ракети «Іскандер» проти звичайних житлових будинків. Всі наші служби працюють на місці. На жаль, є жертви, є поранені, є загиблі. Ми співчуття рідним та близьким. यूक्रेन भले ही नाटो के हथियारों के दम पर रूसी सेना पर भयानक हमले कर रहा हो, लेकिन रूस जरा भी कमजोर पड़ता नहीं दिख रहा है। हालांकि यूक्रेन कई मोर्चों पर बढ़त के दावे कर रहा है, जरा देखिए। पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन के कमांडरों के दावे के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के खिलाफ 1500 किलोमीटर इलाके में भयानक काउंटर अटैक किए हैं। यूक्रेन की सेना दक्षिण में खेरसोन प्रांत से लेकर पूर्व में लोहांस और डोनेस्क इलाकों तक हमले कर चुकी है। यूक्रेन की सेना ड्रोन हमलों से अक्सर रात में रूस के तोपखाने और रॉकेट आर्मी पर हमले कर रही है। इसके अलावा रूस के बख्तरबंद वाहनों पर भी यूक्रेन ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। यूक्रेन का दावा है कि पिछले 48 घंटे में उसने रूस के 98 आर्टिलरी सिस्टम को दबा कर डाला है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पूर्वी यूक्रेन के 10 इलाकों पर पिछले 24 घंटे में रूस ने 500 से ज्यादा हमले किए हैं। अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को तबाह करने के साथ साथ रूसी फौज ने ब्रिटेन की 7 एडवांस स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल को भी तबाह कर डाला है। डिफेंस एक्सपर्ट्स फिलिप्स पी ओ ब्रायन तो साफ कह रहे हैं कि रूस के लिए कीव की जंग अब नाक की लड़ाई बन चुकी है। रूस हर हाल में कब्जा करके रहेगा। अब देखना होगा कि क्या नाटो अपने 30% हथियारों के दबाव होने के बाद भी यूक्रेन को और ज्यादा घातक हथियार देगा या नहीं।
ночью вооруженными силами Российской Федерации нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Военно-промышленному комплексу Украины нанесен значительный ущерб. दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स रूस की फायर पावर को देखकर हैरान हैं। TOS-1A जैसे रॉकेट सिस्टम यूक्रेनी सैनिकों के शरीर जलाकर कोयला बना रहे हैं। हालात ये हैं कि लगभग 4 किलोमीटर तक मार करने वाला TOS-1A रॉकेट सिस्टम यूक्रेनी सेना को खाइयों और बंकरों में जलाकर मार रहा है। ऑस्ट्रेलिया के वॉर एक्सपर्ट और CSIS के थिंक टैंक रिटायर्ड जनरल मैक रयान ने यूक्रेन पर रूस के बड़े हमलों पर बहुत बड़ा दावा कर दिया है। रिटायर्ड जनरल मैक रयान ने दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन पर 5-फ्रंट वॉर शुरू कर दिया है, यानी यूक्रेन के ऊपर 5 मोर्चों पर एक साथ हमला। जरा देखिए कैसे। ऑस्ट्रेलिया के वॉर एक्सपर्ट और CSIS के थिंक टैंक रिटायर्ड जनरल मैक रयान ने भी दावा कर दिया है कि ज़ेलेंस्की का यूक्रेन इस वक्त 5 मोर्चों पर बुरी तरह से घिर चुका है। अगर यूक्रेन के सैनिक आगे बढ़ते हैं तो मारे जा रहे हैं, और अगर पीछे हटते हैं तो रूस उन पर जबरदस्त पलटवार कर रहा है। यूक्रेन के टॉप जनरलों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि रूस की पहली रक्षा पंक्ति को कैसे तबाह करें। ₹40,000 मार दिए, 4 लाख मार देंगे। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने यूक्रेन को बहुत बड़े खतरे की ओर इशारा किया है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने दावा किया है कि पुतिन का रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने जा रहा है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको का दावा है कि यूक्रेन अपना पूरा इलाका खो सकता है, रूस उस पर कब्जा करने जा रहा है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने यूक्रेन को धमकी देते हुए कहा है कि यूक्रेन अमेरिका के चक्कर में पड़कर पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है, और अगर यूक्रेन अमेरिका के पीछे इसी तरह से चलता रहा तो रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा आसानी से कर लेगा। अमेरिका यूक्रेन को रूस से नहीं बचा पाएगा। अभी रूस यूक्रेन के 1,10,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा करने का दावा कर चुका है, जबकि आने वाले दिनों में वो पूरे यूक्रेन यानी 6,00,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर लेगा। नहीं जीत पाएगा अमेरिका। 180 दिन बाद खुफिया रिपोर्ट। 4 जून से लेकर अब तक यूक्रेन रूस के कब्जे वाले ज़ापोरिज़्या में एक भी बड़ा मोर्चा नहीं जीत पाया है। महज छोटे मोटे मिलाकर 8 गांव पर यूक्रेन कब्जे का दावा कर रहा है। पश्चिमी मीडिया के तमाम प्रोपेगेंडा के बावजूद जंग में यूक्रेन जीत नहीं रहा है, बल्कि हार की कगार पर पहुंच चुका है। लेकिन उसके बावजूद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि वो पूर्वी यूक्रेन में जंग जीत रहे हैं और रूस के हमलों को नाकाम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अमेरिका के पूर्व बख्तरबंद कोर के अधिकारी कर्नल डगलस मैकग्रेगर ने यूक्रेन की हार और अमेरिका के दावों की पोल खोली, वो साबित करती है कि पुतिन ने यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका और नाटो को भी रगड़ कर रख दिया है।